ओम शांति। आज सतगुरुवार 15 तारीख की बाबा की मुरली है। बाबा ने आज कहा तुम रूहानी मिलिट्री हो, तो मिलिट्री को जो ऑर्डर मिलता है, जैसा ऑर्डर मिलता है, उसे पालन करना होता है। तो तुम्हें भी बाबा की हर आज्ञा पर चलना है। बाबा जहाँ भेजे, जो सेवा दे, उस सेवा में कभी भी ना नहीं करना है। दूसरी बात बाबा ने आज बताई कि कभी भी किसी के अवगुणों को नहीं देखना है, पर चिंतन नहीं करो, अपने को देखो। बाबा की सेवाओं को देखकर हमें आगे बढ़ते जाना है, तो हमारा स्वभाव संस्कार ऐसा हो जो हम सबके साथ मिलकर के चल करके बाबा के कार्य को, यज्ञ को आगे बढ़ाते चलें। ये नहीं कहना है मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ। ये धारणा की बातें बाबा ने आज की मुरली में विशेष हम बच्चों को समझाई। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे नाजुकपना भी देहे अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। सेवा के फील्ड में जाते हैं तो कई बातें ऊपर नीचे होती हैं, तो इन सब को हमें सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है, क्योंकि हमारी खुद की स्थिति ज्ञान योग की नहीं है, तो जिन आत्माओं की हम सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर हम क्या प्रभाव डालेंगे। तो जब दूसरों की खामियां देखने लगते हैं तो सेवाओं पर भी उसका असर आ जाता है। आपस में अनबनी होना भी देहे अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, इसके साथ नहीं रह सकता, मैं यहां नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। किसी भी जगह बाबा सेवा के लिए भेजे और किसी के साथ भी बाबा रखे, हमें सदा हर एक के साथ रहना है। कोई भी स्थान बाबा सेवा के लिए दे, उस स्थान पर रहना है, किसी के साथ भी रहना है। ऐसा हमारा स्वभाव संस्कार, ऐसी हमारी अंदर एडजस्टमेंट पावर होनी चाहिए। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना है। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिल रही हो, इसलिए ऑर्डर हुआ फौरन हाजिर होना चाहिए ना। उस मिलिट्री में भी क्या होता, ऑर्डर हुआ आज, एक सेकंड भी देरी नहीं। तो बाबा भी जो सेवा बताए, जिस स्थान पर रखे, वहाँ पर हमें सदा हाजिर हो जाना है। सेवाओं में कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले पहला पाठ यही बाबा कहते पक्का करो। देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तब ही बाप को याद कर सके।
मैं आत्मा हूँ तो बाबा याद आएगा, देह समझेंगे तो देह के संबंध याद आएंगे। वो है अज्ञान काल, ये है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर की सदगति करते हैं, और वो है निराकार, अर्थात निराकार अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। किसी भी देहधारी मनुष्य आकार वाले को भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही हैं, परंतु देह अभिमान के में आने से अपने को आत्मा भूल गए। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, घर जाना है ना वापस, तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं है। पापों को भस्म करने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनना है। सीढ़ी में भी समझाया है जो पावन थे वो पतित बने हैं। सतयुग में हम ही देवी देवता जो पवित्र थे पुनर्जन्म लेते लेते पतित बने। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं तब चिल्लाते हैं हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। बाबा समझाते हैं बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, ठीक है। पावन कैसे बनेंगे उसके लिए बाबा कहते मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ पावन बनने का, वो सिर्फ मैं ही देता, और किसी के पास ये ज्ञान नहीं। मैं ही आकर के पावन बनाता हूँ, ज्ञान देता हूँ, वो सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाप को ही आके सुनाना पड़ता है। 5000 साल पहले बाबा ने दिया था, सतयुग में आए ज्ञान लोप हो गया, फिर बाबा आके फिर सुनाते। यहाँ मनुष्यों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं, सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है शास्त्रों की। महाभक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। अभी बाप कहते हैं तो मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ, दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूठना रोना ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। छोटी छोटी बातों में रूठना, मूड खराब करना, सेवा छोड़ देना, किसी से बात नहीं करना, ये सब आसुरी लक्षण है। नाजुकपना नहीं, मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, ये भी नाजुकपना है। बाबा जिस स्थान पर रखे, भक्ति में तो भगवान से यही वायदा किया था, जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जो खिलाओगे खाएंगे, जहाँ रखोगे जिस विध राखी, ऐसे गाया ना भक्ति के अंदर। तो अब बाबा कहते ये भी नाजुकपना है, इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कुछ भी नहीं रहना चाहिए। उसका स्वभाव जो है जैसा है, बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी संडे को हम बच्चों को बहुत अच्छी बात समझाई, वो सम्मान दे नहीं दे, प्यार करे नहीं करे, हमें सबके साथ स्नेह से प्यार से सम्मान देकर चलना, दाता बन। ये ऐसा है, ये वैसा है,
ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे निकलते रहते हैं, किसी के अवगुणों का वर्णन भी करते रहते, गुस्सा भी करते रहते हैं, स्थिति अपनी खराब करते रहते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा लगाना है ना। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। अब बाबा कई बच्चों के रिजल्ट बता रहे, आपस में सारा दिन कईयों की तो खटपट खटपट चलती रहती है, अनबनी बहुत होती है। ये तो नहीं होना चाहिए, रॉन्ग है। देह अभिमान, इसका कारण क्या है? देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक खामियां रह जाती। दूसरों की खामियां देखते रहेंगे और अपनी खामियां रह जाती, क्योंकि अपनी खामियों के ऊपर तो ध्यान है नहीं। इसलिए बाबा ने कवि व्यक्त मुरली में बहुत अच्छी पॉइंट बताई थी, बच्चों की दूर की नज़र तो तेज है लेकिन नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। मैं कैसा हूँ ये नहीं देखते हैं, दूसरों की खामियाँ देखते रहते हैं। अपने ऊपर, अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन नहीं रहता है तो अपनी खामियाँ रह जाती हैं, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। जब हमारा ही स्वभाव संस्कार परिवर्तित नहीं हुआ तो दूसरों के ऊपर हम क्या प्रभाव डालेंगे ज्ञान योग का, तो उसका प्रभाव फिर सेवाओं पर आ जाता है। बाबा समझते हैं ये भी ड्रामानुसार होता, सुधरना भी तो है ना, जैसे कैसे रहना है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनों का काम है दुश्मन से लड़ना, फ्लड्स होती हैं व कुछ हंगामा हुआ तो भी मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरी आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। ये थोड़ी कहेंगे मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है मिट्टी भरो, कहीं फ्लड आता है, कहीं और ऐसी आपदा होती है, तो मिलिट्री जाती है कि नहीं जाती है? हर प्रकार का सेवा करते हैं वो लोग। अगर कोई ना आया तो गोली के मुँह में, है ना, आर्मी का कैसे स्ट्रिक्टनेस होती है। तो बाबा कहते तुम्हारी भी तो ये रूहानी आर्मी है, गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहां भी सर्विस में जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नाने नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, अगर किसी भी सेवा के लिए ना किया तो बाबा कहते तुम्हें फिर मिलिट्री नहीं कहेंगे। वो बच्चे फिर दिल पर भी नहीं चढ़ते हैं, जो ना करते हैं वो दिल पर भी नहीं चढ़ते। श्री बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में बितावे, जो हर बात में हाँ जी का पाठ पक्का करते हैं। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना, खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है तो जरूर वहाँ पर जाकर, कहीं प्रदर्शनी है, म्यूजियम बाबा ने बनवाया था साकार बाबा के समय, सबसे पहला म्यूजियम बना था जयपुर का, बाबा के समय ही बना था। तो जो भी भाई बहन बाबा से मिलने जाते थे, लौटते में बाबा सबको कहते थे जयपुर का म्यूजियम देख के जाओ, जयपुर का म्यूजियम देख के जाओ। फिर एक सेंटर जयपुर का राजा पार्क में था, जहाँ हमारी आदरणीय निर्मला दीदी जी रहते थे, तो उनको बाबा ने लिखा था कि बच्ची तुम रोज म्यूजियम में जाओ सेवा करने के लिए। तो हमारी दीदी रोज जाती थी म्यूजियम में सर्विस करने के लिए, सेवा करने। साथ में हम कन्याएं थी उस समय, हम लोग तो स्कूल को कॉलेज में पढ़ते थे, कभी मेरे को ले जाती थी, कभी फूल दीदी को ले जाती थी, कभी और किसी कन्या को ले जाते थे। ऐसे बाबा के ऑर्डर से, बाबा वही बता रहे म्यूजियम बना है तो वहाँ पर जा कर के सेवाएँ करनी चाहिए।
जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है, उनके श्री मत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्री मत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है ना, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे, 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहती हैं, मुझे बच्चों के बगैर तो कोई जान न सके, बच्चे मेरे को जानते हैं, कलह पहले वाले ही आस्ते आस्ते निकलते रहेंगे। ये है बिल्कुल नई नई बातें, ये है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं। गीता को ही वापर में ले गए, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा, क्योंकि कलयुग में कोई राजा ही है नहीं और सतयुग में राजा ही है, तो जरूर संगम होगा। परंतु किसकी भी बुद्धि में ये बातें नहीं हैं, अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्यों को है भक्ति माँ का नशा, कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे, कई कई इतने अच्छे कट्टर भक्त होते। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं। सीढ़ी के चित्र पर बाबा कह रहे सब कितना ज्ञान भरा हुआ है, तो भी मनुष्य नहीं समझते हैं, माया के नशे में एकदम चकनाचूर हैं। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है, पहले तो दैवी गुण चाहिए। बाप का ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। ये मैं नहीं कर सकता हूं, इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार। बाबा कहते कोई सेवा नहीं कर सकता हूं, ना करनी नहीं है। अगर नहीं करना आता ना, नहीं मेरे अंदर वो गुण है, विशेषता है, वो काम मुझे नहीं आता है, बाबा वो गुण भर देगा हमारे अंदर। एक बार हाँ तो करके देखो, ऐसे बाबा के बहुत बच्चों के अनुभव हैं, वो उन काम नहीं आता था, हाँ कर दी, बाबा ये सेवा जरूर करेंगे, वो गुण भर गया उनके अंदर, शक्ति आ जाती है, वो कला आ जाती है। तो इसलिए बाबा कहते ना नहीं करो, नहीं तो बाबा कहेगा क्या टाइटल मिलेगा, ना फरमान बरदार। तो ये तो अच्छा टाइटल नहीं है ना, ये थोड़ी लेने हैं बच्चों को, वफादार फरमान बरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है, तो समझना चाहिए श्री बाबा की श्रेष्ठ मत है, वो है ही सदगति दाता, दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे, दाता कभी उल्टी मत, इतना हमें निश्चय होना चाहिए बाबा के ऊपर। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। किसके बहुत जन्मों के अंत में? ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्म, 84 जन्म हुए, फिर मैं आता हूँ। इनमें देखो लक्ष्मी भी ऊंची चली जाती है, ब्रह्मा बाबा से जगदम्बा सरस्वती आगे चली गई, गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा, तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए, अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य ही नहीं था, फिर चेंज कैसे होती है ये कोई भी नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है, रेगड़ी मना अभी तो थोड़ा घुटने के बल चल रहा है, छोटा बच्चा अभी तो, मनुष्य अज्ञान नींद में सोए पड़े। ठीक है, हमने क्या समझा, हमने बाबा ने क्या समझा, कलयुग तो अभी बच्चा नहीं है, बूढ़ा हो चुका है, बीमार हो चुका है, ऑक्सीजन पर जी रहा है, चित्र बनवाया ना बाबा ने। तो ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप रूहों को देते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे,
वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों, क्योंकि वो तो देहधारी हैं। ये भी लिखना चाहिए रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देहे अभिमानी, मैं आत्मा हूँ ये कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती। आत्मा के बारे में सत्य ज्ञान किसी के पास है नहीं, वो कह देते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती। बाबा कहते आत्मा लीन ही नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा क्या है और दीपावली क्या है। अभी दशहरा आ रहा है, 17 तारीख से नवरात्र, फिर दशहरा, फिर दिवाली। बाबा ने सब त्योहारों का अर्थ हम बच्चों को समझाया है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते सब ब्लाइंड फेथ की करते। जिसको गुड्डियों की पूजा कहा जाता, पत्थर पूजा कहा जाता, अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाके माथा टेकते कुछ भी समझते नहीं है। जिनकी पूजा करते उनके बारे में जानते कुछ भी नहीं। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान आधा कलप चला, ज्ञान की प्रालप्त सच्चुक्त आधा कलप चली, फिर भक्ति शुरू होती है। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति से वैराग आ जाता है, तो ज्ञान भक्ति वैराग। ये दुनिया ही बदलती है। कलयुग में है भक्ति, सत्युग में भक्ति होती नहीं, वहाँ है पूज्य। बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो, आधा कलप तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए, मिला कुछ भी नहीं। जगह जगह माथा टेकते रहे, टिप्पड़ घिस गया, पैसे भी गवाते रहे। अब बाबा इन सब बातों से हम बच्चों को छुड़ा देता है ना। अभी बाबा ने 2-3 मुरली पहले भी मुरली में कहा मैं तुम्हें पाँव भी नहीं पढ़ने देता हूँ, उन सब बातों से छुड़ा देता हूँ। शिव बाबा के तो पाँव है नहीं, किसको माथा टेकोगे। माथा माया ने एकदम माथा ही मूड़ दिया, कंगाल बना दिया, फिर बाप आ करके सबका माथा ठीक कर देते। अभी आस्ते आस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं ना, तो विदेश सेवा शुरू हो रही है। उस समय की बाबा की मुरली है तो कई विदेशी भाई बहन यूरोपियंस भी समझ रहे हैं बाबा के ज्ञान को, और अभी तो बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं। बाबा ने समझाया है ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए, वो और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं, तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासी सुख भी ज़्यादा देखते तो दुख भी ज़्यादा देखते। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते, और धर्म वाले पहले थोड़े धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं, अभी जाकर धनवान हुए। लेकिन भारतवासी देवता धर्म वाले तो शुरू से ही बहुत धनवान थे। अब फिर भिखारी, अब फिर सबसे भिखारी भी भारत ही बना है, अंधश्रद्धालु भी भारत है, ये भी ड्रामा बना हुआ। भारत ही सबसे ज़्यादा धनवान होता तो फिर सबसे ज़्यादा पतित कंगाल भी बन जाता है। फिर बाबा आकर के भारत को भरपूर करते। बाप कहते हैं मैंने जिसको हेविन बनाया वो हेल बन गया। मैंने तो हेविन बनाया था भारत को, मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर क्या बनाता हूँ, बंदर से मंदिर लायक बनाता। विकार बड़े कड़े हैं, क्रोध कितना है, तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। स्वभाव कैसा हो, बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो, बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। ये भी जानते हो कोटों में कोई निकलते हैं राजाई पद पाने वाले, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करने वाले बहुत बच्चे हैं, पर बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थ करने वाले राजाई पद पाने वाले बच्चे तो थोड़े हैं।
बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को नर से नारायण बनाने, उसमें भी आठ रतन मुख्य गाए जाते हैं, आठ रतन बीच में बाप, नौ रत्नों, आठ है पास विद ऑनर्स, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, आठ पास विद ऑनर्स जिनको बिल्कुल ही धर्मराज की सजा नहीं मिलती है। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है, देह का भान बिल्कुल निकल जाए इसमें मेहनत है। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उनों का ऐसे होता है, बैठे बैठे देह का त्याग कर देते, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ देते हैं और वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। कोई कोई तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, साधु महात्मा भी बहुत अच्छे होते हैं, उनको भी बहुत अच्छा देह के से न्यारा होने का अभ्यास होता है, तो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंद करते, सुबह को स्नान आदि करके फिर भगवान भगवान कहने लग पड़ते, पूजा करते, बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी में भी पहले पहले तुम सबको अलफ का परिचय दो, अब सेवा की बाबा विधि बता रहे, पहले पहले सभी को बाबा का परिचय दो, पहले अलफ और बे, बाप तो एक ही निराकार है, बाप रचिता ही बैठ, रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते, वही बाप कहते मामेकम याद करो, देह के सब संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो। बाप का परिचय तुम किसको देंगे तो किसको हिम्मत नहीं होगी प्रश्न उत्तर करने की, है ना। कईयों को प्रदर्शनी समझाते, कोर्स कराते, बहुत सारे डिबेट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते, जब बाबा का परिचय मिल जाएगा तो बाबा कहते फिर ज़्यादा प्रश्न उत्तर के जंगल में नहीं जाएंगे वो। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं, नहीं तो फिर सीधा 84 जन्मों की कहानी सुनाएंगे, सर्वव्यापी की पॉइंट सुना देंगे, कोई ऐसी पॉइंट तो वो डिस्कशन करने लग जाएंगे, बेचारे दुविधा में पड़ जाएंगे। तो पहले उनको बाबा का परिचय दो, थोड़ा अनुभूति करना शुरू करते हैं तो फिर और बातों की गहराई को भी समझने लगते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। बाप का परिचय देने बगैर बाकी तुम तीक तीक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। ज़्यादा ज्ञान के विस्तार में नहीं जाओ, बहुत सारी बातें बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, मुख्य बात समझाओ अलफ का परिचय। फिर कहते हैं बाबा गला घुट जाता है ना, प्रदर्शनी में भी सेवा करने जाते तो बाबा को लिखते थे, बाबा इतना समझाया गला घुट गया, तो बाबा कहते क्यों इतना तिकती करते हो, मुख्य मुख्य बातें समझाओ। पहली पहली बात अलफ की उठाओ, तिकती करने से समझ थोड़ी सकते हैं, हम ये समझते हैं हम ज़्यादा विस्तार में समझाएंगे तो समझ जाएंगे, पर वो समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल सिंपल रीति से धीरे से बैठ समझाना चाहिए, बहुत शांति से धीरज से आत्मिक स्थिति बनाते हुए उनको समझाओ। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े, तो जहाँ जहाँ म्यूजियम खुलते थे तो बाबा सबको महारथी बच्चों को भेजते रहते थे, तो वहाँ जाओ वहाँ जाके सेवा करो। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो, अब निमित्त जो सेंटर संभालने वाली बहनें हैं उनको भी बाबा प्रेरणा दे रहे हैं, सेंटर संभालने के लिए किसी को बिठा दो,
और आप दूसरी जगह सेवा करने के लिए जाओ। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है तो बाप कहेंगे कोई काम के नहीं है, सर्विस ही नहीं की। ठीक है, आप समान बनाना है, ऐसी टीचर्स बना लो, आप कहीं जाओ सेंटर पीछे वो भाई चलाता रहे, वो बहन चलाती रहे। अगर किसी भाई बहन को इस योग्य नहीं बनाया है तो बाबा कहते फिर तो कोई काम के नहीं। बाबा को लिखते हैं, सर्विस को छोड़ कैसे जाएं? अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ, तो चले जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम के? हम मुरली नहीं सुना सकते हैं तो वो दूसरा कोई सुना देगा। तो मुरली सुनाने लायक, सेंटर संभालने लायक दूसरों को बनाओ। बाबा ने हुक्म किया तो झट भागना चाहिए। ये नहीं बाबा कैसे निकलूं, सेंटर कौन संभालेगा। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है जो ऐसे दूसरों को आप समान बने। बाकी तो सब हैं घोड़े सवार प्यादे, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया तो क्या करते थे? इतने मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले, सेंटर छोड़ के कहीं और सेवा में चले जाओ, सेंटर संभालने वालों को तैयार करो, पीछे सेंटर कोई भी संभाले। ठीक है, ऐसी सेवाएं करो, अपने जैसा बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कितनों को अपने जैसा बनाया, दीदी दादियों ने कितनों को अपने समान बनाया, ऐसे औरों को भी आप समान बनाने, सेंटर संभालने लायक बन जाएं। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। अभी सेंटर संभालने में भी बहुत सारी बातें होती हैं ना, कोई एक बात तो नहीं होती है। सेंटर संभालने में फुल अटेंशन देना पड़ता है, कैसे कैसे लोग आते हैं, पूरी सफाई है, भोग है, हर एक को टैकल करना, कई सारी बातें हैं, तो ट्रेनिंग दी जाती है ना, इसलिए सेंटर संभालने की भी। मुरली भी जरूर पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी तो गोया एब्सेंट पड़ गई। आजकल किसी के एब्सेंट तो नहीं पड़ती है ना, वे सब मोबाइल पे मुरली सुनते हैं, पीस ऑफ माइंड पे मुरली सुनते हैं। अगर सुनते हैं मुरली किसी भी साधन के द्वारा, ठीक है सेंटर नहीं आ पाते हैं। अगर नहीं सुनी या मुरली नहीं पड़ी तो डालना है, तुम सारे विश्व की सेवा करते हो। पति दुनिया को पावन बनाना, ये घेराव डालना है ना, सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, सबको दुख धाम से छुड़ाना है, ये सेवा करनी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना, बहुत मीठे शांत अति मीठा स्वभाव, कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है, पवित्र बनाओ। दूसरे पॉइंट, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है, आनाकानी ने जो सेवा करे जहाँ बैठा है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान है आज का, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व
माँ कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है, इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व और कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। चलो अब तक जो किया सो किया, उसको बीती को बीती करो, अब अपने महत्व को जानो और अपने को जागती ज्योति बनाओ। आप सेकंड में स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करनी है? अभी अभी कर्म योगी और अभी अभी कर्मातीत स्टेज, कर्म से न्यारे। जैसे बाबा मिसाल दे रहे हैं, जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है ना, इसलिए मंदिरों में कछुआ दिखाते हैं। अंग समेट लो, अभी अभी विस्तार में आए, अभी अभी कर्म योगी बन के कर्म किया, फिर कर्म से न्यारे होके कछुए की तरह अपने आप को समेट लो। ऐसे आप मास्टर रचयिता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक ही संकल्प में स्थित हो जाओ। सब संकल्पों को समाकर एक ही संकल्प में स्थित हो जाओ। कछुआ तो आपकी रचना है, जब रचना के अंदर ये गुण हैं तो आप तो प्रकृतिपति हो, स्लोगन है ठीक है। तो अपने महत्व को जानकर सदा जागती ज्योत बनो, स्लोगन। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति का युद्ध समाप्त करो, सदा स्मृति से। ओम शांति। पास
इंतजार अखियन में बैठी ली वो इंतजार अखियन में मन पंछी जगाए हमारे ब्रह्मा तन में शिवजी पधारे सोए भाग जगाए हमारे सागर है वो खोले अमृत का द्वार सागर है वो खोले अमृत का झपके न पलके उस क्षण मिलन में झपके न पलके उस क्षण मिलन में मन पंछी सफल बना देंगे
हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।